ये सेशन जो है, ये सेशन में मैं टैटूइंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट कोई भी टाइप का आप करियर चूज़ करो तो मेरे हिसाब से करियर चूज़ करना मतलब कोई स्किल सेट सीखना। उस दिन जैसे मैं बता रहा था, मुझे पता नहीं सब लोग प्रेजेंट थे कि नहीं, पर एक जो आर्ट बोलते हैं वो एक स्किल होता है और क्रिएटिविटी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, राइट? तो 90% ऑफ द टाइम लोग जाते हैं कुछ सीखने और वो लोग सीखने को ट्राई करते हैं स्किल लेवल पर। जो दूसरा पार्ट है जो मैं क्रिएटिविटी बोलता हूँ, वहाँ पार्ट आता है माइंडसेट का। अगर माइंडसेट रेडी नहीं रहता है वो स्किल्स बराबर सीख नहीं पाते तुम लोग, मतलब वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है जो मैं टैटूइंग को लेके नहीं बोलेगा, पर नॉर्मली मैं लोगों को, बहुत लोगों को पूछता हूँ कि किसको कितना पैसा कमाना है, और उन लोगों का जवाब रहता है बहुत सारा। और फिर मैं उनको पूछता हूँ कि पैसे के बारे में तुम लोगों का बिलीव्स क्या है, तुम लोगों को क्या लगता है पैसा? तो बोलते हैं पैसा बहुत ख़राब चीज़ है, पैसा लोगों को बिगाड़ता है। तो जो ये थॉट लेके चलता है कि पैसा ख़राब है, वो ये भी बोल रहा है कि मेरे को पैसा कमाना है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जा रहा है क्या? थॉट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, वो दोनों उल्टी तरफ जा रहे हैं, राइट? सो एक है जिसको स्किल सीखने का है, पर स्किल सीखने के पीछे माइंडसेट बराबर नहीं है। अब इस पैसा कमाना भी एक स्किल है, आप कोई बिजनेस सीखोगे, कुछ ना कुछ पढ़ाई करोगे और फिर वो इम्प्लीमेंट करोगे आपके डेली लाइफ में। पर जिसका सोच, अगर उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस ये है, मे बी वो बचपन से किसी से आया हो, तो वो बनेगा नहीं बात, राइट? सो ये पूरा सेशन उसके बारे में रहेगा कि तुम लोग का माइंडसेट की तरफ क्या इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, कि तुम लोग का स्किल लर्निंग जो होने वाला है इन दिनों वो प्रॉपरली फोकस्ड रहे और सही तरीके से हो। अगर आप लोग का माइंडसेट जगह पे नहीं रहेगा, तुम लोग नहीं सीख पाएगा, तुम लोग के पास खाली रीजंस रहेगा लास्ट में, कंप्लेंट्स और रीजंस, और कुछ नहीं दे पाओगे तुम लोग, राइट? तो सेशन इंटरेक्टिव है, तुम लोग है ना, मैं क्योंकि मैं डायरेक्ट पूछने वाला है सब लोग से, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी एकदम फ्रीली बात करो, है ना? क्योंकि तुम लोग का स्टोरी दूसरे का स्टोरी भी रहेगा, तुम लोगों का गोल्स में भी दूसरे का गोल्स रहेगा, तुम लोगों का फेलियर में भी दूसरे का फेलियर रहेगा। तो ये कोलैबोरेशन वाला बात है, अपन मिलके कुछ कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प करके ऊपर जा रहे हैं हम लोग, बराबर? तो पहला स्लाइड वैसे तुम लोग देख रहे हो, व्हाट आर योर गोल्स? सो ये मेरा क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, तुम लोगों का गोल्स क्या है? तो मैं एक 10-12 जन को रैंडमली पूछ लेता हूँ, सब लोगों को पूछेंगे तो लंबा सेशन हो जाएगा। किसी को सामने से बोलना है किसका गोल्स क्या है? एक तुम लोगों को टाइमलाइन दे देता हूँ, अगला 3 साल का गोल्स क्या है तुम लोग का? 3 साल में, हाँ, जब भी बोल रहे हो तो माइक या अपना मास्क नीचे लेके बोलो तो क्लियर रहेगा। खुद का एक बड़ा स्टूडियो करना है, और अच्छा, तो अपना नाम बनाना है एक टॉप लीग आर्टिस्ट में, ठीक है? और नाम हो जाएगा तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप नहीं आता, काम करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं आता। नाम करने के लिए नाम करना ही पड़ेगा, नाम करेंगे तो। आपने मेरे को दो चीज बताया, उसका मेरे को क्लैरिटी है, तीसरा और कुछ ऐड करना है? ठीक है, और कोई तुम लोगों का गोल क्या है अगले 3 साल तक? चलो, आपने ये बताया कि आपका आर्ट और फाइन मतलब क्वालिटी आपका और बेटर हो जाए, बेटर करके 3 साल में आपको यहाँ मेंटरशिप करना है कि आप यहाँ सिखा सको, ठीक है? और कोई बेस्ट टैटू आर्टिस्ट बनना है, ठीक है? तो बेस्ट टैटू, बेस्ट का मीनिंग कैसे दोगे आप? पर आप किसी को कंपेयर करके बोल पाओगे ना कि आपका बेस्ट है या वर्स्ट है? ठीक है, चलो ठीक है। और 3 साल में उनको बेस्ट टैटू आर्टिस्ट बनना है उनके स्केल पे, जैसा उनको सही लगता है। और कोई
आप इन नेक्स्ट इयर्स सक्सेस तक मतलब पहुंचना है और मिनिमम 3 to 5 लाख मेरा मंथली इनकम होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना है। तो सक्सेस तक पहुंचना है, ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। सक्सेस मतलब क्या, और आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे हो कैसे मालूम पड़ेगा? अच्छा आर्टिस्ट भी बनना है। अच्छा आर्टिस्ट का मीनिंग क्या, सेम चीज आप जो उनको पूछ रहे थे, बेस्ट आर्टिस्ट का मीनिंग क्या? मतलब हम हर काम में अच्छा हो, मतलब ऐसा कैसा आप सोच सकते हो कि, या फिर ऐसा कैसा आपको पता चले कि मेरा हर काम अच्छा है, कैसे पता चलेगा? सीखते रहना पड़ेगा और जो मतलब पिछली गलतियाँ है वो सुधारनी पड़ेगी। तो 3 साल में आपको ये करना है। हाँ। ठीक है, चलो और कोई। मैं एक काम कर दो, आपको ना क्वेश्चन घुमा के पूछता हूँ, टैटूइंग के बारे में बात ही मत करो, अब बोलो अगले 3 साल में क्या करना है, गोल्स क्या है? लग्जरी कार, बाय लग्जरी कार, ओके। और विच वन? द प्रीमियम वंस। विच वन? बट यू गेव मी 2 ब्रांड्स, ऑडी एंड BMW, विच वन? ठीक है, दैट्स ओके। और कोई? हाँ, खुद का घर लेना है। किधर, कहाँ और कितना बड़ा? मुंबई में, धारावी में चलेगा? फिर सपोर्ट में तो रहे हैं अभी। किधर? बोरीवली। ठीक है, कितना बड़ा? 2 BHK मे बी। ठीक है, तुम लोग तुम्हारा वर्ड सुनो सब लोग ध्यान से। हाँ, ओन हाउस। ठीक है, कितना बड़ा? 3 BHK। किधर? लद्दाख में। कब? 3 साल में। अच्छा ठीक है, बैठो। और आप सर, मास्क नीचे। गोल्स, स्टूडियो खोलना है टैटू का, टैटू के अलावा बात करो, आज टैटू के बारे में बात नहीं कर रहे हम। गोल्स क्या है आपका? आपको टेंशन आ रहा है इसलिए जवाब दे नहीं पा रहे हो कि आपके पास है ही नहीं जवाब? जवाब नहीं है, ठीक है, चलो बैठो। और तू बोल, क्या गोल है तेरा? मास्क नीचे। कुछ इनकम स्टार्ट करना है। कितना इनकम? 30 to 50,000 स्टार्ट करना है, ओके। और कोई? ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद फैमिली। नाउ व्हाट इज अराउंड द वर्ल्ड? विच वंस? वेयर इन लैटिन अमेरिका? लैटिन अमेरिका, पेरू एंड ब्राज़ील एंड Give me like 10 at least. You said around the world, you just gave me 2 countries. Only 2 countries. Okay, I should give 10 countries. Peru, Argentina, Greenland, Iceland, South Korea, Japan. Why South Korea? Who is in your family? Dad, mom, brother. Do you think your mom and dad will enjoy South Korea and Japan? Japan, yes. Okay. And Brazil. Okay. और कोई? सर आप? नहीं आप? सर 27 ब्रांड वैल्यू बनाने का, जहाँ पर भी लोग आएंगे काम करेंगे।
मुझे ठीक से समझा नहीं या फिर सुनाई नहीं दिया। 27th बोले आप एज, तो अभी आपका क्या है 24। 3 साल में आपको क्या करना है, अच्छा ब्रांड बनाना है आपके नाम की। आपका नाम या कंपनी? कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? पहाड़ी टाटू स्टूडियो। ठीक है, और ब्रांड वैल्यू बनाना है टीचिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है। बट टैटू के अलावा मैं पूछ रहा था, आप फिर से घूम फिर के टैटू पे ही आ गए। और किसी को? आप सर इन नेक्स्ट 3 years यू वॉन्ट टू डू दैट? So maybe one day you feel like you want to buy a house in Beverly Hills or maybe, you know, a mansion or palace. So you should be able to buy it. That is what your plan? Maybe you want to buy a SpaceX by Elon Musk. Because I felt like buying SpaceX. So you think you want that? Yes or no? You want something like that? Like maybe you want to buy India one day. If I am able to? Okay, fine. और कोई? इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, ये सब क्यों पूछ रहा था मैं। ये खुद पढ़ो, ये खुद के लिए क्वेश्चन है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है ये, जो तुम लोग खुद को पूछ रहे हो, हु एम आई। हाँ, अभी मेरे को आंसर दो उसका। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मैं अगर तुम लोगों को पूछ रहा हूँ तो हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू मेड अप ऑफ, किससे बने हो, क्या हो, कौन हो, क्यों हो, कुछ वो डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ मैं। कोई आंसर करेगा सामने से? हाँ, आंसर मिला आपको, आंसर दो। अभी यही करा, जिस चीज में मजा आता है वही करा। तो आप कौन हो मैं पूछ रहा हूँ? आर्टिस्ट हो आप? ठीक है, और कोई? अच्छा, तुम लोगों को अंदर फील होता है कंफ्यूजन एक क्वेश्चन पूछ के? खुद को अंदर कौन अंदर फील होता है कि आंसर ही नहीं है, ये क्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? कौन सा अजीब सा सवाल है? फील हो रहा है ऐसा? सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको भी हो रहा है। इसको ठीक कर यार। सो मैं चाहता हूं कि और थोड़ा सा टाइम लो और फिर से खुद को पूछो एंड ट्राई टू फिगर आउट आंसर मिलता है क्या इसका। कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है ये? आस्क योरसेल्फ वन मोर टाइम, 5-10 सेकेंड देता हूं। द मोर द कंफ्यूजन द बेटर। आई एम द वन हु कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट। ठीक है, और किसी को आंसर करना है? इसमें विश्वास है आपको? तो अभी तक किया क्यों नहीं आपने? अगर आपको इस पे विश्वास है तो अभी तक से पहले बिजनेस पे था वो किया, उसके बाद फिर आर्टिस्ट का वो आया। आपको ये इतना ही करना है जितना आप कर रहे हो? नहीं, अभी करूंगा ना सर, अभी आगे होंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या करोगे अभी मेरा सवाल है सर। मैंने बताया ना, यहाँ आने के बाद यहाँ पर 3 साल के अंदर बराबर। मैं बोलता हूँ बहुत ही छोटा सोच है। अगर आपको सिर्फ 3 साल में टैटूइंग सीख के उसका मेंटरशिप करना है तो सर उसके बाद तक सर जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक एक आप सब अपना अंदाज क्यों लगा रहे हो आप कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक ये नहीं होता है ना। जब मैं वही बोल रहा हूँ, आपको जो चाहिए वैसे होता है,
पर सारे बाउंड्रीज आप ही बांध रहे हो कि पहला ये जरूरी है कर, दूसरा ये जरूरी है, ये लिमिटेशन वो लिमिटेशन। मैं आता हूँ इसके ऊपर, आपको अंदाज आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी और को ट्राई करना है आंसर करने का? नहीं, मैं सामने से तो नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि 99% आपको शायद आंसर जेन्युइनली, मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। ठीक है, मेरे को खाली तुम लोगों को कन्फ्यूजन देना था कि तुम लोग खुद के अंदर, एटलीस्ट तुम लोग ने ये फील किया कि तुम लोग अंदर ध्यान दे रहे थे खुद का, ऐसा फील आया? Yes, तुम लोग का बाहर जो फोकस था उसकी जगह तुम लोग ने एक्चुअली अंदर खींच रहे थे फोकस, ये फीलिंग आया सबको? यू आर लुकिंग इनसाइड। अभी एक क्वेश्चन पढ़ो, डू यू कंट्रोल योर फ्यूचर, मतलब आप खुद का फ्यूचर आपके हाथ में है, या फिर मैंने और एक लाइन लिखी है, रुक जाओ, सो दूसरा इसका वर्जन है कि तुम लोग को लगता है जो तुम लोग सोचते हो वही होता है। कितने जन ना पे है? फिर से सवाल खुद को करो, जो लोग हाथ नहीं उठाए उठाए फिर से सब नीचे ले लो और फिर से ट्राई करते हैं। मैं यही क्वेश्चन का दूसरा साइड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जन को समझते नहीं, इसलिए मैंने दूसरा वर्जन लिखा है उसका। डू यू कंट्रोल योर फ्यूचर, मतलब डू यू बिलीव वॉट एवर यू थिंक हैपन्स इन योर लाइफ, मतलब तुम लोग जो सोचते हो वो लाइफ में होता है क्या? कुछ भी होता है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया रहता है वो सब रैंडम चीजें होती है। तो हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, और एक बार पूछता हूं, जो तुम लोग सोचते हो वो होता है या नहीं होता है? होता है, वो हाथ ऊपर करो, जैसा सोचते हो वैसे ही होता है। और जो नीचे ले लो, जो ना वाले वो लोग हाथ ऊपर कर लो, ये जो सोचते हो ऐसा नहीं होता है। सो ये क्वेश्चन बेस रहेगा अपने पूरे आगे का सेशन का। मैं मेरा पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, और पर्सपेक्टिव के साथ मेरा जो स्टडी है, जो बैकअप है उसका, वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, ना कि मैं तुम लोग पे इम्पोज कर रहा हूं कुछ कि ऐसा ही है, राइट? क्या सही क्या गलत मेरे को नहीं पता, पर तुम लोग के पर्सपेक्टिव से मेरा पोजीशन काफ़ी सक्सेसफुल आया फास्ट, मेरे को तुम लोग देख रहे हो, बहुत जन मेरे को फॉलो कर रहे थे कहाँ, बराबर? तो मैं कुछ मेरा बिलीफ्स है जो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे काम आया ऊपर आने में। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जो सोचते हैं वही होता है, और जिन लोग का ना है उसके लिए उसके पास मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, और जिन लोग का हाँ भी है उनके लिए मेरे पास क्वेश्चन है। जिन लोग का हाँ है, जो इसका आंसर यस देते हैं, कौन था फिर से हाथ ऊपर करो? तुम लोग ये कंट्रोल करते हो ना लाइफ तुम लोग का, फिर किया क्यों नहीं है अभी तक? बिकॉज ऑफ फैमिली यू आर नॉट इन कंट्रोल? Why is that so? See, if I want to learn that word, they don't accept till the age, or they need to understand me. Or but you are the one who listens to them. Yeah. But you have the power to decide anything you want. You can say I don't want to listen, and still you are good. After certain age, definitely you have your own power to decide. Yeah, that's. Why would you blame your family? No, I'm not blaming. I'm respecting them. Yeah. The thing is, they don't accept whatever they want to do. They just care about the children. Yeah, that's the care. But then you're not stuck. Means that is my point. They scared of what he is going to do. Will he success or not? They scared of that. Because of that, he. They say no, but still you have the power to decide whatever you want. They can't decide for you. I'll come on that. So, जो लोग हाथ ऊपर किए थे कि जो कंट्रोल में है फ्यूचर के, वो लोग, तुम लोग ये दिन देखने का था जो आज है? बकवास कर रहे हो तुम लोग,
बकवास है। अच्छा मैं तुम लोगों को दूसरा साइड बताता हूं, किसको खुद का जेट नहीं चाहिए, खुद का जेट एरोप्लेन खुद का नहीं चाहिए, किसको खुद का यॉट नहीं चाहिए, कि तुम लोग का जो भी पास में रियल को ये रहेगा कोस्ट सी ओशन जो तुम लोग को बोलने का है, वहां तुम लोग का खुद का शिप खड़ा है और तुम लोग पार्टी के लिए जा सकते हो। किसको ट्रैवल नहीं करना है वर्ल्ड और अय्याशी नहीं करनी है, किसको पैसे नहीं उड़ाने हैं, किसको शॉपिंग नहीं करने का है, किसको एक्सपेंसिव गाड़ी में नहीं घूमने का है, किसको फैमिली को बहुत सारा पैसा पानी और मस्ती नहीं कराने का। तुम लोग ने ये डे चूज किया है जो बोल रहा है कंट्रोल में है, क्या डिसाइड किया कि मेरे को प्लेन नहीं चाहिए, मेरे को शिप नहीं चाहिए, मेरे को फैमिली के लिए अच्छा नहीं चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, ये चूज किया तुम लोग ने? तुम लोग को नहीं चाहिए था क्या? फिर किया क्यों नहीं अगर कंट्रोल में था तो? किया क्यों नहीं अभी तक? तो अभी तक विश्वास नहीं था इस पे। आप खुद को सुन नहीं रहे हो। अगर आपको इस पे विश्वास है और था तो हुआ क्यों नहीं वो चीज? तुम लोग का उम्र क्या एकदम तुम लोग 12-12 साल के तो हो नहीं, क्या एज है तुम्हारा? 24, करीबन 6 साल तो गए काम में। मैं वो बात पे भी आएगा कि क्यों ऐसा है, क्यों मान के भी नहीं होता है। सो फार सो गुड। ये लेक्चर का टाइटल है। तो बेसिकली मैं अभी यहां से स्टार्ट करूंगा, तुम लोगों को मोस्टली साइंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, पर वैसा साइंस नहीं जहां तुम लोगों को नहीं समझे, एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है, वैसे सिंपल इजी वे में समझाऊंगा जितना मेरे को समझता है, जितना मेरे पास एज ए स्टडी बैकअप है, जो मैं सोचता हूँ उसके पीछे जो मेरा बैकअप है वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बराबर। तो स्टार्ट करते पहला चीज, ये किसको किसको पता है, बचपन से बोलते हैं अपने को, वैसे तो आत्मा शरीर अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग लोग, माइंड बॉडी सोल, कोई माइंड बॉडी एनर्जी बोलता है, फिर और फिर बाबा के लैंग्वेज में और क्या क्या वर्ड्स होते हैं, रिलीजियस बुक्स में सब जगह सुनाई देता है, बराबर। तुम लोग कुरान में भी सुनाई देगा, तुम लोग को बाइबल में भी दिखेगा, तुम लोग को भगवद गीता भी दिख, जितने भी बुक्स है रिलीजियस में ये तीन प्लेन दिखते हैं। सब लोग साथ में है, सुना है कि नहीं किसी ने? किसने नहीं सुना है हाथ ऊपर करो। ये तीन चीज किसको नहीं नहीं पता है या सुना नहीं है? चलो पता है, नहीं पता का जाने दो, जिसने सुना नहीं है। अभी ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को अभी अभी मालूम पड़ा, वैसे कुछ बहुत पुराना चीज नहीं है। तीन और कोई, चलो मैं तुम लोग छोटा सा डेमो देता हूं और हम लोग ट्राई करते हैं तीनों प्लेन फील करने का, राइट। तो एक दो एग्जांपल है जो मैं हमेशा देता हूं। अभी सब लोग का ध्यान दो इधर, बराबर। ये मेरा हाथ है, बराबर, ये मेरा हाथ है, मेरा बॉडी, मेरा टी शर्ट, मेरा माइक, मेरा फोन, मैं किधर है? सोल, एक जन ने जवाब दिया, सोल सोल, मैं किधर है? अभी ये सेम चीज है ना, तुम लोग अपने आप को सवाल करो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग रियलाइज करो मैं क्या ट्राई कर रहा हूं। तुम लोग को फील होना चाहिए, तुम लोग फील करो अभी खुद को, ट्राई करो, ये मेरा हाथ है, ये मेरा बॉडी है, तो तुम लोग बॉडी फील कर रहे हो, हाथ फील कर रहे हो, बराबर। और फिर तुम लोग कुछ फीलिंग आएगा कि किधर तो कुछ है जो मैं है, तुम लोग खुद को लगना चाहिए वैसे। कैन यू फील इट? 5 सेकेंड ले लो, 10 सेकेंड ट्राई करो, खुद को ही पूछो ये सवाल। मेरे पे मत ध्यान दो, अपने आप में दो ध्यान, मैं चाहता हूं कि ये तुम लोग को समझे ठीक से। हम लोग ये नहीं बोलते कि मैं हाथ है, बराबर, ये मेरा हाथ है, मतलब मेरा बिलोंगिंग है, ये मेरा फोन, मेरा बिलोंगिंग है, मतलब मेरा चीज है, राइट, ये मेरा बॉडी है बोलता हूं ना मैं बॉडी है बोलने वाला है तुम लोग, बराबर। दिस इज माई हैंड,
आई एम हैंड नहीं बोलते, बराबर, आई एम हैंड, आई एम लेग, ये नहीं आएगा बाहर, आई एम फोन नहीं होने वाला, दिस इज माई फोन, मतलब अपना बिलोंगिंग है, मतलब बिलोंगिंग किसी को है, जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा बॉडी है, तो यहाँ तुम लोग डिफरेंशिएशन मालूम पड़ता है, बॉडी अलग, आप अलग. कैन यू फील दिस दैट यू एंड बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग्स? इज इट ईजी टू अंडरस्टैंड विद इन योर सेल्फ? खाली मेरे एक्सप्लेनेशन से नहीं, तुम लोगों को फील भी होना चाहिए. इतना मालूम पड़ रहा है तुम लोग, अगर तुम्हारा हाथ अभी उठाने का ट्राई करोगे तो पहले थॉट आएगा और बाद में बॉडी का मूवमेंट आएगा ना, तो थॉट पहला आया, बॉडी दूसरा आया, राइट? डिफरेंस मालूम पड़ रहा है, समझा? दो प्लेन दिख रहे तुम लोगों, बॉडी और माइंड, सॉरी बॉडी एंड सोल. तीसरा है जो मैं अभी तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा था, जो कि तुम लोगों को पहले थॉट आता है या तुम लोगों का थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो तुम लोग सोचते हो, वो किधर होता है? वो एक अलग स्पेस तुम लोगों को फील होता है अंदर, मोस्टली तुम लोगों को भेजा दिखता है खुद का, है ना? तो मैं माइंड का बात कर रहा हूँ, वैसे खाली ब्रेन का नहीं, ब्रेन मतलब देखो मैं ब्रेन बोला तुम लोगों को, रेड कलर का वो दिखता रहेगा सबको अपने आप में, वो इमेज दिख रहा है तुम लोगों को ब्रेन का तुम्हारे दिमाग में, वो जहाँ स्टोर हुआ है वो भी एक जगह है, राइट? सो वो जो प्रोसेसिंग, सारा डेटा का जो प्रोसेसिंग होता है, सेव प्रोसेस, ये वो सब, वो माइंड है. तुम लोग को उतना फील हो रहा है? तुम लोग का बॉडी है जो एग्जीक्यूशन करता है, माइंड है जो ऑपरेट करता है, और सोल है जो बोलता है क्या करने का, राइट? अभी इसका मैं और बेटर एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग ये तीनों लाइन में समझेंगे, ठीक है? कुछ है क्या फेंक के मारने के लिए? ये बंद नहीं हो जाए. ये मेरा वॉलेट है, बराबर, ये वॉलेट मैं किसी के पास फेंकता हूँ, तू कैच कर, दे दे. यू सी, इतना एक्टिविटी दिखा तुम लोगों को, मैंने क्या किया, उसको बोला कैच कर, उसे कैच किया, रिटर्न दे, रिटर्न आया. अभी इसको साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करते कैसे क्या हुआ बीच में, राइट? तो ये छोटा सा एक्टिविटी में मैंने कुछ आइडिया सोचा, मेरे को आइडिया आया, मैं चीज़ ढूंढ रहा था, मुझे कुछ फिर सर्च एंड ये हो रहा था, मेरे पास आया हुआ हाथ में, मैंने उसको चूज़ किया किसी को मैंने, और फिर इसको बोला तू कैच कर, बराबर, और फिर मैंने उसके पास फेंका, बराबर, उसने कैच किया. पर ये जब भी मैंने उसको बोला ये पूरा प्रोसेस किधर रुका हो? वो रुका था आपके थ्रो करने के लिए. थ्रो करने के लिए रुका, ठीक है. और ये एंटायर एक्टिविटी जो चल रहा था फिर यहाँ आके एक जगह रुक गया हो, क्या चीज के लिए रुका? फॉर द एक्शन. नहीं अभी रुक जाओ, दूसरे लोग ट्राई करो. दूसरे कमांड के लिए ना? नहीं, पर पहले वाला तो मैंने तो बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था ना कैच कर ले, तो और नहीं नहीं मैं पहले तो कैच करने के पहले का चीज बोल रहा हूं, ठीक है? मैं बोल देता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं. तो ये प्रोसेस गया, साउंड गया, साउंड में से कान में गया, मैच हो गया. मैच होने के बाद ब्रेन है ना एक जगह रुका, किसके लिए पता है? डिसीजन के लिए. कौन डिसीजन देगा? मैं तो कुछ भी बकवास करूं, मैं बोलूंगा इसको कूद इधर से, तो कूदेगा ही अभी नहीं ना? पर कैच करने वाला तो कैच कर लिया ना, दोनों में डिफरेंस क्या था? कूदने बोल रहा तो कूद नहीं कर रहा है, वो भी डिसीजन ले रहा है, और ये मैं बोल रहा तो उसने एक्सेप्ट करके ले लिया. दोनों में क्या था मालूम है?
ब्रेन ने उसको तीन चार ऑप्शन दिए है, बताया कि ये सेफ है, एक बॉम्ब नहीं है, फटने नहीं वाला है, डेंजर नहीं है, ये कुछ तो काम का चीज है, इन्फॉर्मेशन बांट रहा है, बराबर। ये सब उसने समझ, ब्रेन ने जब दिया, फिर उसका सोल, जो हम बोल रहे हैं सोल, ये एनर्जी, वो जो खुद है, बराबर, वो बोला ठीक है कर ले, बोला ले ले इसको, बराबर। वो करने के बाद तेरे को आइडिया है कौन से हाथ से तूने कैच पकड़ा था, कौन सा हाथ आगे था, कौन सा पीछे था, ट्राई कर सोचने का, तुझे ठीक से पता भी नहीं रहेगा क्या हुआ। तू टेबल के ऊपर कैच पकड़ा कि नीचे पकड़ा, एग्जैक्टली तेरे को पता है सब चीज, टेबल के ऊपर पकड़ा, फिर से तेरे को सोचना पड़ रहा है पीछे जाके, हाँ ये वाला उंगली किधर था, ये मेरे वॉलेट पे ये वाला उंगली किधर था, ये वाला बता एग्जैक्टली, पता है किधर रहेगा, सारी उंगली मेरे को बता किधर थे। मेरा पॉइंट ये है कि आगे का कुछ भी नहीं पता रहेगा ठीक से, राइट। मैटर कर रहा था वो डिसीजन के बाद बॉडी ने क्या किया, काम कर लिया, बराबर। हाँ तो अभी फिर से ठीक से समझते हम लोग, मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूं, इसके आगे क्या है मेरे को पता नहीं है, ये है पर इस पे रहते हैं। सो डिसीजन मेकिंग के लिए ये पूरा प्रोसेस बीच में रुका और फिर आगे गया। अभी मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि तुम लोग के कितने गलत डिसीजन गिरते रहेंगे दिन में, जिसकी वजह से चीजें नहीं होती है। तुम लोग के पास एक चीज है जिसको मैं बोलता हूं गॉड पावर है, वो है डिसीजन मेकिंग, जो मैं इसको बोल रहा था। किसी को ब्लेम नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि डिसीजन तू लेता है सुनने का है कि नहीं। ये तो आज मैं ये फेंका तो ये ले लिया, मैं इसको बोलता हूं अभी जा 10वें माले पे जंप मार दो, क्या सुनने वाला है मेरा? क्यों? डिसीजन खुद लेता है इंसान, बराबर। तुम लोग उठा के किसी को जेल में डालो या कितना भी मारो, वो जो भी डिसीजन लिया है ना, वो दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता, खुद डिसीजन लेता है हम लोग। तुम लोगों के पास एक चीज है जो सबसे पावरफुल है, वो डिसीजन मेकिंग। बेस्ट पार्ट है जब तुम लोग डिसीजन लेके छोड़ देते हो ना, बॉडी उसको फॉलो करती है, बराबर। तुम लोगों को इतना सोचना नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों को अभी एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग सब बैठे हो, तुम लोगों को पता है तुम लोग बैलेंस कर रहे हो, अभी रियलाइज भी हो रहा है कि तुम लोग बैलेंस कर रहे हो। अगर तुम लोग सोए रहोगे तो तुम लोग सीधे ऐसे बैठे रहोगे क्या? गिर जाओगे, गिर जाएंगे ना। अभी क्यों नहीं गिर रहे हो? तुम लोग को पता भी नहीं कि तुम लोग बैलेंस कर रहे हो। तुम लोग ने क्या हुआ मालूम है, इधर आए जब यहां बैठे तुम लोग ने क्या, मतलब तुम लोग जो रियल सोल एनर्जी का बात करो, तुम लोग क्या बोले मालूम है बॉडी को? बैठ जा। उसके बाद क्या पता है तुम लोग क्या है, कैसा बैठा है, क्या बैठा है, सब तो मैनेज कर रहा है खुद। मेरा पॉइंट है कि बॉडी को ये वर्ल्ड समझ में आता है, तुम लोग का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तुम लोग के बॉडी थ्रू है, बॉडी को पता है कैसे क्या करने का है, पर तुम लोग क्या मैसेज देते हो उसके ऊपर है ना। तुम लोग स्ट्रगल, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चालू है ना, वो तुम लोग ही तो डिसीजन लिया है, दूसरे को क्या ब्लेम करोगे? वो बॉडी तुमको ला के दे रहा है गिफ्ट प्लेट में, भाई तू ही तो मांगा था, ले। और तुम लोग को पता भी नहीं है, जैसे अभी बैठे हो तुम लोग को लगता है दुनिया बुरा है या नसीब खराब है, लाइफ एकदम बेकार आया है, मेरे माँ बाप खराब है, मेरा सिचुएशन खराब है, मेरा बैकग्राउंड खराब, मेरा कंट्री खराब, गवर्नमेंट खराब, रोड खराब, सब खराब। पर तुम लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि तुम लोग ने गड़बड़ किया है डिसीजन लेने में, क्योंकि तुम लोगों को रियलाइज नहीं होता है। तुम लोगों को रियलाइज हो रहा है तुम लोग सांस ले रहे हो, पर डिसीजन तो तुम लोग का है जीने का, बाकी तो फॉलो कर रहे हैं ना सब। मरने का डिसीजन ले लो अभी, सांस बंद हो जाएगी, है कि नहीं? इनफैक्ट मैं तुम लोगों जब भी बोला तुम लोग कैसे बैठे हो, तुम लोगों ध्यान क्या है यार, तुमके बैठे हैं और सब थोड़े थोड़े हिले लगे, ध्यान क्या है यार, बैठा हो यार, है कि नहीं? अवेयरनेस इसको बोलते हैं। अंधे लड़कियां इधर पर अंधे जैसे लोग चलते हैं पट्टी बांध के, और लोगों को फिर ब्लेम करते कि लाइफ में कुछ नहीं होता है, सैड है सब। अगला स्लाइड है जो मेरा क्वेश्चन है, तुम लोग उल्टा जंप मार सकते हो क्या? रिवर्स फ्लिप मारते हैं तुम लोग, मार सकते हो? कौन मार सकता है इधर? एक जन ट्रिपल मार सकता है, तीन बार हवा में घूम के फिर नीचे? नहीं ना, तो तेरे लिए वो चैलेंज है। कौन मार सकता है इधर? कोई नहीं,
कोई नहीं। अच्छा तो मेरे को आंसर करना जब मैं बोल रहा है, पर आंसर मेरे को पूरा वर्ड में चाहिए, मेरे को मुंडी हिला के नहीं चाहिए, बराबर। तू मार सकता है जंप, पूरा वर्ड में चाहिए, मैं नहीं मार सकता जंप। तू मार सकता है, मैं नहीं मार सकता। मैं जो बोल रहा हूँ रिपीट नहीं करते, वो मारने के रहे हो तो हाँ बोल सकता है ना, वो तुम लोग का डिसीजन है। मेरे बीच मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा है, पर तुम लोग मेरे को जवाब दो, तू मार सकता है जंप, पूरा बोल, जो भी बोल रहा पूरा बोल। नहीं मार सकता, तू मार सकती है जंप? अभी तुम लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं मार सकते, नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता, मैं कौन है इधर, ये है ना, तो बॉडी नहीं मार सकता है या तुम लोग नहीं मार सकते? हाँ तुम लोग नहीं मार सकते या बॉडी नहीं मार सकता? तुम लोग नहीं मार सकते, बॉडी मार सकती है। मैं तुम लोगों को समझाता हूं, इनको पकड़ लेते, ये भी बोले नहीं मार रहे, बराबर। अभी मैं इनको ट्रेनिंग देना चालू करता हूँ, एक लेके आता हूँ पर्सनल, या फिर ये सर को बोलता हूँ कि तू इसको ट्रेन कर, तेरे पास एक महीना है, ये फ्लिप मारना चाहिए, एक महीने के बाद मारेगा ये? मारेगा। पर ये तो अभी बोला नहीं मार सकता, नहीं नहीं, मैं जो अभी पूछा उसका जवाब चाहिए, ड्रीम का बात, ड्रीम गया तेल लगाने अभी के लिए। मेरे को अभी का जवाब दो, ये अभी मैं तुम लोगों को बता दो बॉडी का लिमिटेशन, क्योंकि इसको पता है बॉडी नहीं मार सकता है, उसको पता है उसका बॉडी मार सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके उसको आता है, वो हाँ बोला और ये ना बोला, और ये एक महीने के बाद हाँ बोल सकता है। मतलब मेरा पॉइंट है, तुम लोगों को बॉडी का लिमिटेशन खुद को क्यों चिपका रहे हो? तुम लोग बॉडी जो नहीं कर सकता है उसका तुम लोग को रियलाइजेशन है कि मेरा बॉडी मे भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये मान के क्यों चल रहे हो कि तुम लोग नहीं कर सकते? तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो, बॉडी को तो ट्रेन करने का ही है ना, तो फिर ना किधर से आया ये, समझा कि नहीं? तुम लोग मेरे को बोलते हो जंप नहीं मार सकते, एकदम क्लियर कट ना बोल रहे हो, पर तुम लोग थोड़ा डीप ये करोगे, सोचोगे तो मे भी तुम लोग ये बोल सकते हो मेरा बॉडी नहीं मार सकता, मेरे को तो मारना है, टाइम मिलेगा तो सीख के मार दूंगा। स्किल सीखना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना, इतना ही तो पार्ट है, बराबर है। पर हुआ क्या पता है, अनकॉन्शियसली, जैसे मैं बैठने का बात कर रहा था, तुम लोग को पता भी नहीं, जो तुम लोग को बॉडी को नहीं आता है वो तुम लोग लगा देते हो मेरे को नहीं आता है। अभी सोचो कितना चीज नहीं आता है तुम लोग को, जो तुम लोग को पता भी नहीं है कि तुम लोग को आता है। तुम लोग का लाइफ ऐसे ही जा रहा है अनकॉन्शियसली, तुम लोग को पता नहीं कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, यही आइडिया नहीं है। तुम लोग ने मे भी एक बार ट्राई किया रहेगा, एक बार फैंसी चीज कुछ देखा रहेगा, यार मेरे से तो बेंड भी नहीं होता, बंद, फिर लाइफ टाइम बंद उसका रास्ता, क्योंकि एक बार नहीं हुआ रहेगा तुम लोग से। मैं तो बोलता 90% लोगों ने ट्राई भी नहीं किया रहेगा, उसके पहले ही देख के बोला यार ये तो मैं नहीं कर सकता यार, क्यों? तो बॉडी नहीं कर सकती या फिर माइंड नहीं कर सकता, ये दोनों जगह में कहीं भी गड़बड़ हो तो तुम लोग यहाँ इसको डाल देते हो, मैं लगा देते हो उसके पीछे। ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा अभी तक मे भी माइंड मेंटली मैं रेडी नहीं है, मेरे को और पढ़ाई का जरूरत है, और इन्फॉर्मेशन का जरूरत है, या मेरे बॉडी को और प्रैक्टिस या फ्लेक्सिबिलिटी का जरूरत है, कोई नहीं सोचता है। ये एग्जाम्पल बहुत छोटा है समझने के लिए, पर तुम्हारा लाइफ में कितना चीज है और जो सब लोग ऐसे ही सोच रहे हो कंटिन्यूसली। कितना घर पे माँ को ना बोलते रहोगे मेरे को अंदाज नहीं है, पर कोई कोई का तुम लोग याद आता है, अरे नहीं मेरे को नहीं आता, अरे नहीं यार मेरे को बोर होता है, अरे नहीं मेरा ये नहीं है, अरे मेरे को ड्राइंग नहीं आता है, अरे मेरे को ये नहीं आता है कि नहीं ऐसा? पर सही में नहीं आता तुम लोग को? ये पार्ट ना बहुत अननोन है, तुम लोग चाहिए तो भी उसका आंसर नहीं ढूंढ पाओगे, वो कौन और क्या और किससे बने हो, और वहीं तो सारा पॉसिबिलिटीज है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। अब मेरे को एक एग्जांपल बताओ, अपने इधर का एग्जांपल लेते हैं, ये मारता है और ये नहीं मारता है, ये क्या स्पेशल इंसान है? क्या स्पेशल इंसान है? तो मैं अगर तुम लोग को बोलता हूं
के तुम लोग रॉकेट बना सकते हो? पहला देखो, सब मुंडी ऐसी ऐसी होके फिर ऐसी ऐसी हो रही है। तुम लोग रॉकेट बना सकते हो जो ऊपर उड़ेगा? अभी तुम लोग डिफरेंस मालूम पड़ रहा है ब्रेन में क्या हो रहा है? तुम लोग आंसर यस होते जा रहे हैं। अभी कोई लोग मेरे को बोलते हैं इसका दिमाग खराब है ये जो बोलता है, पर मैं बोलता हूं इलॉन मस्क अगर रॉकेट बांधता है और उड़ाता है वो स्पेशल इंसान है, कुछ अलग लेके आया है। आपको यस लगता है? हाँ, वो बंदा रॉकेट अगर बिल्ड करके रॉकेट उड़ा रहा है या फिर हाइपरलूप बना रहा है, जो भी कर रहा है वो सब अलग अलग, वो स्पेशल इंसान है क्या? क्या उसको ये अवेयरनेस है जो मैं बोल रहा है कि उसको पता चल गया इंसान कुछ भी कर सकता है? जो क्रिएटिव फोर्स है तुम लोग में वो तो अनलिमिटेड है। तुम लोग पता भी नहीं किधर से क्या, कहां से क्या आइडियाज आते हैं। पहला स्टोन एज मैन लो जहां तुम लोग छोटा पत्ते लगा के घूमते थे और अभी देखो क्या हो गया दुनिया। बराबर, ये जो पूरा जर्नी में ये इंफॉर्मेशन आया कहां से इतना? वो ठीक है पास हो गया, पर इंफॉर्मेशन आया ना कहीं ना कहीं से। एवरी टाइम नया इंफॉर्मेशन आता है ना आदमी के पास, इंफॉर्मेशन आता है पर आता है ना नया। रॉकेट भी पहले थे नहीं, पर रॉकेट किसी ने किसी पहला बनाया, पहला प्लेन बनाया, पहला व्हीकल बनाया, वो आया कहां से इंफॉर्मेशन? तुम लोग के पास अनलिमिटेड सोर्स ऑलरेडी है, तुम लोग पोटेंशियल से भरे हो जो है लास्ट ऑप्शन सोल एनर्जी जो भी बोलो, अनलिमिटेड पावर है तुम लोग के पास। पर रोकता क्या है मालूम है? बॉडी का लिमिटेशन, जो तुम लोग खुद का समझते हो। नहीं आता, एक वर्ड है छोटा, नहीं आता, नहीं होएगा, बहुत डिफिकल्ट है। ऊपर का लाइन पढ़ रहे हो जो मैं अभी बोला? कितनी बार ये तुम लोग बोलते हो? भले पब्लिक में नहीं बोलते रहेंगे पर ये मेरे ख्याल से 99% बोलते हैं ये वाला लाइन आईने में देख के खुद के लिए। ये साल में तुम लोग 25 बार तो बीमार रहते हो, मेरे को बुखार आ गया है। कितना जन को प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है मेरे को बताओ जेन्युइनली, खाली ये देख के अभी चुप मत रहो। मेडिकली किसको इसको प्रॉब्लम है? किसी का मसल टोन है, सी उनको कुछ तो है। क्या है आपको? फीट्स का इश्यू है उनको, और बैक पेन है, और सर्वाइकल का इश्यू है, और साइनस का इश्यू है। चार बीमारी तो मैं अकेला बोलता था इतने तो। और सिर दर्द, छोटे छोटे चीजें, डस्ट से प्रॉब्लम, हेडेक किसी को नहीं, कोई इश्यू था नहीं है? और लोग को तुम लोग सब लोग बोलोगे नहीं पर सबको अपने आप के बारे में पता रहता है कि ये मेरे को जमता है। किसको फूड एलर्जीज है? एक टाइप का खाना खाएंगे तो नहीं जमता है। एक और दो, ऑनेस्टली और जेन्युइनली जवाब दो क्योंकि तुम लोग कोई काम आए गए। किसी को फूड एलर्जीज नहीं, कुछ खाएंगे तो कुछ होता है, नहीं जमता है, मशरूम्स नहीं जमते ऐसा वैसा नहीं, स्वीट नहीं जमता, कुछ तकलीफ होता है हेल्थ में? किसी को ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी अजीब गरीब बीमारी? ये किसको लगता है? यू कैन बी ऑनेस्ट, उसमें कोई खराब बुरा अच्छा बात नहीं है। तुम लोग का थॉट है, अगर तुम लोग छुपाओगे तो भी वो गलत थॉट लेके बैठे हो। किसको लगता है ये चीज? ये क्या लिखा है मैंने? आई एम, मैंने क्वेश्चन पूछा था मालूम है, हु एम आई? तुम लोग का ये जवाब है कंटिन्यूस, इसमें जीते हो तुम लोग, पता है कि नहीं? Who am I?
आई एम सिक, आई एम पुअर मिडिल क्लास, आई डोंट अंडरस्टैंड मैथ्स. किसका मैथ्स खराब है? तुम लोग को लगता है तुम लोग मैथ्स खराब है? सीरियसली किसको ये लगता है आई एम स्लो, स्लो लर्नर या स्लो? एक दो तीन चार पांच छ सात, आई एम अगली. इसमें 90% हाथ ऊपर होने चाहिए. भले बोलते नहीं है लोग, बराबर. मैं नहीं बोल रहा तुम लोग है, पर ये सब लोगों को लगता है ऐसा कि मेरा ऐसा है. सबको फेस में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा. किसी की आंख बड़ी दिखती है, किसी को खुद का नाक बड़ा दिखता है, किसी को लगता है मेरा फेस बड़ा है, क्या क्या बड़ा छोटा दिखता है. ये फूड वाला हंगरी नहीं है, ठीक है, इसको जाने देते. ये किसको लगता है? कौन अनलक्की है इधर? बर्बाद. ये कौन है? पैसे नहीं है, गरीब लोग. कौन गरीब है इधर? ये कौन है इधर? स्लीपी कौन रहता है? आई एम टायर्ड, थक गया लाइफ से कोई. अभी वो हुए माए जो था वो सब, ये तुम लोग के आंसर तुम लोग खुद को देते हो. आई एम दिस, आई एम दैट, मेन चीज तो रह गया बाजू में, ये बोलते रहते हो खुद को तुम लोग. अभी पॉइंट याद है ये मैं क्यों तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं. अभी हम लोग ने बात किया है कि तुम लोग के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, क्योंकि जो सोल या एनर्जी है उसको कोई लिमिटेशन नहीं है. बॉडी जो है और माइंड जो है जो बोलता है, और जो तुम लोग को लिमिटेशन खुद का पता है, उससे तुम लोग कन्विंस हो गए हो कि ये आप लोग है. मतलब क्या हो गया, आपका बिलीफ बन गया है, आपको भरोसा है कि ये है. वो रियल नहीं है. पर मेरे को, मैं एक दो एग्जांपल देता हूं. मेरे को साइनस का बहुत इश्यू था, तो मेरा लाइफ को मैंने अपसाइड डाउन किया है पूरा. तो मैं जहां से आया है, तो मैं काफी गरीब घराने से आया हूँ. काफी टाइम ऐसा भी टाइम देखा जहाँ रोड पे रहा हूं मैं, और पैसे पानी कभी थे नहीं इतने पैसे. मतलब अभी जो पोजीशन पे है उतना तो ड्रीम नहीं, ड्रीम में अंदर ड्रीम में भी नहीं आता था उतना चीज. मतलब बहुत बहुत अपनी औकात, मतलब महीने के 5-8 हज़ार आए तो बहुत हो गया. मतलब वही बड़ा लगता था उस टाइम. सो मतलब मेरा घर, मेरा पहला जॉब में मैं 250 रुपये कमाता, नहीं 750 रुपये कमाता. तो कोई रिच बैकग्राउंड से नहीं, कोई स्ट्रांग पर्टिकुलर ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था. मेरे फैमिली में ना बहुत सारी बीमारी की बातें इजीली होती है. जैसे मेरा भाई है, जो आप मिलोगे यहाँ, ज़्यादा करके लोग मिले रहेंगे मेरे भाई से, उसको साइनस का इश्यू था. और उसके मेरे बीच में 12 साल का डिफरेंस है, बराबर. तो मैं जब छोटा, मतलब बड़ा भाई होता है, तो जब बचपन में आप लोग उसको ही फॉलो करते हो, बराबर, वही आपका इंस्पिरेशन रहता है. तो जो जो उसको हुआ है ना, सब मेरे को होता था, राइट. और ये रियल फैक्ट है, तुम लोग को भी रोज यही होता है बाहर. सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि वो भाई से होता है, पर तुम लोग किसी न किसी को फॉलो करने लग जाते हो और तुम लोग को लगता है कि मैं ऐसा है. तो मैं उसका देख रहा है, उसको साइनस, तो मेरे को भी साइनस. साइनस तो था नहीं, पर साइनस आ गया. उसको सिर दर्द होता था, वो तो माइग्रेन तक पहुंचा नहीं, मैं माइग्रेन तक पहुंच गया. वो भी माइग्रेन सीवियर. रोज मैं 2000 mg कम से कम 5 साल खाया हूं. 2000 mg, 2000 mg पेन किलर बहुत बड़ा हो गया. दिन में दो दो खाने पड़ते थे. वीक में मिनिमम चार दिन तो फिक्स है. माइग्रेन का इश्यू था मेरे को, और खा रहा हूं उसका ठीक नहीं. कई डॉक्टर को बताया, क्या क्या किया वो लोग ने. तुम लोग पता है बीमारी कैसे मेरा ठीक हुआ है? डिसाइड किया एक दिन कि मैं बीमार नहीं है.